Delhi Commission for Women Chief Swati Maliwal said she had visited different relief camps in Manipur, met different women. Raising a question to Chief Minister Inderjit Singh, Swati Maliwal said she reached Churachandpur and met the family members of the two women being buried naked and found out that no one from both the state and central government had reached out to them, and so far no compensation, counselling and legal aid has been provided to the victims. No representation of the government reached out to them. While mentioning the relief camps of Moirang and others in Churachandpur, she said conditions in relief camps are worst. She further questioned as to why, even though she, being a woman, without any security, reached Churachandpur and met the victims, why can't the Chief Minister go to Churachandpur and other places in his bulletproof vehicle and meet the victims. She said the central government should demand the resignation of Chief Minister immediately. She also asked for Prime Minister to visit the state and also the Women and Child Development Minister to visit the state. में गई हूँ मैं चूराचांदपुर, मोइरांग और इम्फाल के कई कैंप्स में गई हूँ और कई महिलाओं से मैंने मीटिंग करी है. और मोइरांग की जो महिलाएं थी उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरीके से गवर्नर उनसे मिलने आई थी और मदद करने की कोशिश कर रही थी. पर मेरा एक सवाल है और मेरा सवाल चीफ मिनिस्टर से है मणिपुर के. मैं कल चूराचांदपुर पहुँची, अकेले पहुँची, बिना किसी सिक्योरिटी के पहुँची और मैं जाकर उन दो लड़कियों से मिली जिनके परिवार, उन लड़कियों के परिवार से मिली जिनके, जिनको सड़क पे नंगा घसीटा गया, उनके साथ मोलेस्टेशन किया गया और उनका गैंगरेप भी किया गया. जब मैं उनसे मिल सकती हूँ तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल सकते? मैं उनसे मिलने वाली सरकार की पहली महिला हूँ. अभी तक उनसे कोई मिलने नहीं आया था. मणिपुर सरकार से कोई मिलने नहीं आया, केंद्र सरकार से कोई मिलने नहीं आया, तो ऐसा कैसे चलता रहेगा? जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें किसी प्रकार का कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, कोई काउंसलिंग नहीं हुई है, कोई लीगल हेल्प नहीं मिली है और सरकारी कोई भी नुमाइंदा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है. तो मैं मोइरांग भी गई, वहाँ के जो रिलीफ कैंप्स हैं उनकी भी हालत बहुत ख़राब है. मैं इम्फाल में गई, वहाँ पर भी रिलीफ कैंप्स की हालत ख़राब है. चूराचांदपुर में भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और कई सौ लोग मिसिंग हैं इस वक्त. हज़ारों घर जला दिए गए हैं और कई सौ लोगों की डेथ हो चुकी है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ मुख्यमंत्री से कि वो अपने घर में क्यों बैठे रहते हैं, वो जाते क्यों नहीं? वो जब मैं अकेली महिला बिना सिक्योरिटी के चूराचांदपुर पहुँच सकती हूँ तो वो क्या अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में चूराचांदपुर या बाकी जगहों पर नहीं जा सकते? मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री मणिपुर का रेजिग्नेशन तुरंत केंद्र सरकार को ले लेना चाहिए और मैं दिल्ली जाके केंद्र सरकार से सबसे पहले ये अपील करूंगी कि इस आदमी का कोई हक नहीं बनता कि ये मुख्यमंत्री बना रहे. और दूसरी अपील मेरी केंद्र सरकार से रहेगी कि प्लीज़ प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर आइए, यूनियन WCD मिनिस्टर आप मणिपुर आइए, होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आप मणिपुर आइए. मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में आग लगी हुई है और अगर अभी कुछ नहीं करा गया तो मणिपुर को बचाना मुश्किल होगा. मैं मणिपुर में पिछले कई दिनों से घूम रही हूँ और मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ. यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं. हर इंसान ने मेरे को वेलकम कराया है, मुझे अपना महसूस कराया है और यहाँ की जो लैंड है वो बहुत सुंदर है. लेकिन अगर इसी तरीके से मणिपुर जलता रहा तो मेरे हिसाब से ये हमारे देश के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है.